मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान के जन्मदिवस के मौके पर अंजुमन शिक्षा समिति रामगढ़ ने रामगढ़ कस्बे के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और साथ ही विधायक कोटे से स्वीकृत 35 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई फर्श का रामगढ़ क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालय के लिए वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में पहुंचते ही विधायक साफिया जुबेर प्रधान नसरू खान और मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया और हाल चाल जाना। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद जुबेर खान के लिए बच्चों ने स्वागत गान सुनाया। मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान के जन्म दिवस पर जुबेर खान और विधायक साफिया जुबेर से केक कटवाकर बच्चों में केक बंटवाया गया। सरपंच संघ रामगढ़ अध्यक्ष वीर सिंह के नेतृत्व में रामगढ़ पंचायत समिति के सभी सरपंचों और गोविंदगढ़ सरपंच संघ प्रधानाचार्य संघ ने प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल राजेश मुखीजा के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारी ओपी मीणा बीसीएमएचओ डॉक्टर अमित राठौर ने चिकित्सा कर्मियों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रघुनंदन वर्मा विश्राम गोस्वामी अकबर खान ने साफा बांध माल्यार्पण कर और बुके भेंट कर सुबेर खान विधायक साफिया जुबेर प्रधान नसरू खान का स्वागत किया। इस मौके पर जुबेर खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था उस समय रामगढ़ में किसी भी विभाग के सहायक अभियंता नहीं बैठता था और आज रामगढ़ का इतना विकास हो चुका जितना कि पिछले 40 सालों में नहीं हुआ उतना पिछले 4 सालों में करा दिया गया। रामगढ़ में बच्चों के लिए कस्बे के नजदीक कॉलेज डीएसपी कार्यालय अधिशासी अभियंता कार्यालय एसीजीएम कोर्ट तक खुल चुकी है। शीघ्र ही एडीजे कोर्ट की मंजूरी मिलने वाली है। मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार मानता हूं और अपने परिवार के विकास के लिए मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूंगा। राजनीति और पार्टीबाजी केवल चुनाव के समय होती है, बाकी समय कोई राजनीति नहीं की जाती, केवल विकास कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कभी अपने जन्मदिन के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन पिछले साल प्रधान नसरू खान ने मेरे जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और मैं जन्मदिन मनाने इसीलिए आया। इस बहाने लोगों में रक्तदान करने के प्रति जागृति पैदा होगी और जरूरतमंद को रक्त मिल सकेगा। इस दौरान जुबेर खान और विधायक साफिया जुबेर द्वारा सरकारी विद्यालयों के कुछ संस्थानों को फर्श वितरित की गई। रामगढ़ से इस कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा, रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, अल्पसंख्यक जिला शिक्षा अधिकारी अकबर खान, रामगढ़ बीसीएमएचओ अमित राठौर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान, सीएमएचओ अलवर ओम प्रकाश मीणा, जिला चिकित्सा अधिकारी जुबेर खान के निजी सचिव अंगरक्षक आरिफ खान, रामगढ़ पुलिस जाप्ता राजकुमार यादव, एडवोकेट पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामगढ़ भुवनेश शाहू, इमरान खान, मुस्ताक खान, शौकत खान, रवि खान, मनीष खान, इब्राहिम खान, रघुनाथगढ़ सरपंच, सरपंच संघ अध्यक्ष पंचायत बामबोली, सरपंच वीर सिंह, रमेश गुर्जर, समिति सदस्य अनूप शर्मा, गोवर्धन शर्मा, गजेंद्र शर्मा, आईटी सेल अध्यक्ष रामगढ़ बीसीएमओ डॉक्टर अमित राठौर, प्रेम शर्मा, डॉक्टर लतीफ खान, व्याख्याता सुरेश नागपाल, नरेंद्र जैन, राजकीय उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल, राजकीय महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा, बीजवा सरपंच आशु खान बहाला, सरपंच कल्लू खान अलावड़ा, सरपंच जुम्मा खान, राकेश सरपंच तिलवाड़ गोविंदगढ़ से, पूर्व सरपंच हारून खान सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। जुबेर खान जी का जन्मदिन है, वृक्ष प्रतिमन समिति के द्वारा यहाँ डेडिकेशन कैंप लगाया गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर मेवात में लोग फूस लेने से बहुत घबराते थे, डरते थे, उनको लगता था वो छुप जाते थे। तो ये एक प्रयास है जागरूकता के लिए कि अगर किसी के परिवार में खून की जरूरत है तो परिवार के लोगों का फर्ज होता है वो आगे से आगे आके खून दें। तो अब ये 2-3 साल से इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, बहुत जागरूकता आई है। अब हमारे पास ये फोन कम आते हैं कि मैडम ब्लड दिला दो, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि खुद ब्लड देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि पिछड़ेपन के कारण ये इनको ये बातें पता नहीं थी। इसके अलावा एमएलए कोटे से हमने सभी स्कूल्स में दरियों का वितरण किया गया है कि छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कम से कम बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है तो दरिया उपलब्ध होने चाहिए ताकि वो अच्छे से बैठ के पढ़ाई अपनी। मैडम जन्मदिन को लेकर कहीं पौधारोपण भी किया गया है आज? आज अभी इसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक छात्रावास है, मिनी सेक्रेटेरिएट है, काफी जगह है। 250-300 पौधे हम चाहेंगे कि रामगढ़ विधानसभा में जगह जगह लगाए जाएं। आज कहने को तो जन्मदिन का कार्यक्रम था, लेकिन मैं इसको मानूंगा। एक तो रक्तदान शिविर का आयोजन था, एक जितने भी रामगढ़ विधानसभा में प्राइमरी शालाएं राजकीय उच्च प्राथमिक शालाएं हैं उनमें दरियों का वितरण था। एमएलए कोटे से 35 लाख की दरिया खरीद के बांटी गई ताकि बच्चे दरियों पर बैठ लें, और गेट टुगेदर था।
अब जन्मदिन का तो बहाना लगाया प्रधान जी ने, जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन मैं इसमें ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि इस बहाने ब्लड डोनेशन कैंप लग गया जो लोगों के काम आएगा, घड़ियाँ बट गई जो लोगों के बच्चों के काम आएगा, और सबको शुभकामनाएं देते हैं त्यौहार का, तीज का, सबकी इलाका समृद्ध रहे, देश में भाईचारा अमन रहे, तरक्की करे, यही सब हमें इस मौके पर।